वायरल स्किन व्हाइटनिंग क्रीम को खरीदा। लगा इसको लगाकर एक बार देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का और एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। इतनी सारी चीजें बताने के बाद मेरा नाम बताना तो बनता ही है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रूपा, मैं हूँ कोलकाता से एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं अपने चैनल पे स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, प्रोडक्ट रिव्यूज के बहुत सारे वीडियोज अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। नीचे नोटिफिकेशन बटन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसकी जानकारी पहुंच जाए और उसके बाद आप उस वीडियो को देखो। आज के वीडियो में जिस प्रोडक्ट को मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये है कोलाडिया द स्किन केयर स्किन व्हाइटनिंग क्रीम। साइट पे ना आपको इस प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है दिख जाएगा, साइट पे आप देख लीजिए, मैं यहाँ से बता रही हूँ। अच्छा, नीचे यहाँ पे लिखा है कि रिड्यूस स्किन डार्कनेस, डार्क स्पॉट्स, रैशेस, और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। 30 ग्राम है इसका MRP है 499 रुपीज, लेकिन मैंने इसको 120 रुपए से खरीदा था, विच इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। और इतना कम दाम है इसलिए लोग इसको बढ़ चढ़ कर खरीद रहे हैं। दूसरे साइड पे इसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का नाम दिया गया है जो केमिकल वाले हैं। ये एक हर्बल प्रोडक्ट या फिर नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, इसमें भर भर के केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा गाइज, यहाँ पे नीचे इसके डायरेक्शन ऑफ यूज दिया है, तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले आपको अपने स्किन को अच्छे से धोना है और उसके बाद इसको अपने ड्राई स्किन के ऊपर लगाना है, और सारा दिन में एटलीस्ट आप इसको एक बार लगाइए। ये आप गले पे भी लगा सकते हैं, आपके स्किन को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट वगैरह करेगा, वाइटन करेगा। और अगर आप अपने स्किन के ऊपर इसको लगाने के बाद कोई सेंसेशन फील कर रहे हो तो इसको मत लगाइए, ऐसा यहाँ पे लिखा है। और ये प्रोडक्ट बेसिकली गुजरात में बना है और यहाँ पे इनका ईमेल आईडी भी दिया है। तो प्रोडक्ट जो है ना इसका मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दिस इज बेसिकली इन व्हाइट कलर, इसमें एक पंप दिया है, पंप अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करोगे तभी निकलेगा और बहुत ही कम क्वांटिटी में निकल रहा है, वेस्ट होने के तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो इसको मैंने 7 डेज के लिए अप्लाई किया था अपने चेहरे पे। एक तो मैं बहुत डर डर के लगा रही थी क्योंकि ये ब्रांड भी मेरे लिए एक अननोन ब्रांड है और इस तरीके का कोई भी क्रीम मैंने आज तक अपने चेहरे पे नहीं लगाया है। आई ऑलवेज बिलीव कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी स्किन केयर, हेल्दी हेयर केयर रूटीन फॉलो करना है। अगर आप हेल्दी चीजें फॉलो करोगे वो आपके स्किन पे, आपके स्टाइल पे, आपके ऑरा पे दिखेगा, अलग से आपको स्किन व्हाइटनिंग क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। तो प्रो और कॉन मिलाकर मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस काफी अफोर्डेबल है। अब इसको चेहरे पे लगाने के बाद एक चीज मैंने नोटिस करा है, दिस प्रोडक्ट इज गुड फॉर ऑयली स्किन। अगर आप फिर भी इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये ऑयली स्किन के ऊपर अच्छे तरीके से काम करेगा। दिस इज डेफिनेटली नॉट अ ऑप्शन फॉर ड्राई स्किन, क्योंकि ड्राई चेहरे के ऊपर लगाने के बाद चेहरा और भी ज्यादा ड्राई हो जाएगा। मेरा चेहरा बहुत ज्यादा ऑयली है इसलिए लगता है कि मेरा चेहरा बहुत ज्यादा ग्लोइंग है। ऑयली स्किन वालों का एक प्रॉब्लम है, उनको लगता है हमारे चेहरे से तेल टपक रहा है, बाकी दुनिया को लगता है कि उनका चेहरा बहुत ज्यादा ग्लोइंग है, लेकिन हमसे पूछो कि हमारी दुर्दशा कैसी है। तो ऑयली स्किन वाले इसको लगा सकते हैं। डेफिनेटली डोंट अप्लाई इट ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि विंटर के टाइम पे अगर आप इसको लगाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एंड ड्राई स्किन वाले प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द प्रोडक्ट। द रीजन इज इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इंस्टेंटली आपके स्किन से स्वेट को और ऑयलीनेस को कंट्रोल कर लेता है और आपका स्किन सुपर स्मूथ और थोड़ा सा वाइटन वाइटन हो जाता है। तो इसीलिए अच्छा ये रहता है कि जब भी आप इसको लगाओ ऑयली स्किन वाले ही इसको लगाइए, ड्राई स्किन वाले मत लगाइए। कॉम्बिनेशन स्किन वाले फिर भी इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपका चेहरा इंस्टेंटली वाइटन हो जाता है और उसके बाद कुछ देर बाद आप इसको चेहरे पे लगाओगे ना तो आपके स्किन पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगा और उसके बाद चेहरा बहुत ज्यादा पैची हो जाएगा और डार्कन हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाई, मैंने जब लगाया था उस टाइम पे मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ। उस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी थी कोलकाता में, ह्यूमिडिटी काफी हाई था, तो जब मैंने इसको लगाया था लगाने के संग संग ना चेहरा बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है और उसके बाद कुछ देर बाद आप अपने चेहरे के ऊपर नोटिस करोगे ना तो यहाँ से बहुत ज्यादा चिपचिपाहट फील होगा और आपके चेहरे पे पसीना एकदम भर जाएगा। तो मेरे लिए तो ये प्रोडक्ट एकदम अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, स्किन पे लगाने के बाद इंस्टेंटली आपको ब्राइटनेस दिखेगा, लेकिन वो ब्राइटनेस लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। कुछ देर लगा के रखोगे, उसके बाद फिर आपका स्किन जब आप वॉश कर दोगे ना जैसे का तैसा रहेगा। तो उससे बेटर है अच्छा प्रोडक्ट लगाइए, अच्छे प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कीजिए। ये था मेरा आज का वीडियो गाइज, कोलाडिया द स्किन केयर स्किन व्हाइटनिंग क्रीम के ऊपर। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उनसे पूछ सकते हो। अगर आपको अपना स्किन सच में व्हाइटन करना है, मतलब स्किन लाइटनिंग करना है, तो मैं आज आप लोगों को एक आसान सा रेमेडी बताती हूँ। इसको आप 1 महीने तक ट्राई कीजिए, आपके स्किन का कम्प्लेक्शन 2 से 3 शेड ब्राइटर हो जाएगा। इसके लिए आपको लेना है कच्चा दूध, उसके साथ मिलाना है चंदन का थोड़ा सा पाउडर, मिला लीजिए अच्छे से और इसका एक अच्छा सा लेप तैयार कर लीजिए। इसके साथ अगर आपके स्किन पे ड्राइनेस का इश्यू है थोड़ा सा शहद ऐड करके अपने चेहरे पे लगाइए, इससे आपके चेहरे पे ड्राइनेस भी दूर हो जाएगा, आपका स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी लगेगा
और ये रेमेडी ना ड्राई स्किन के ऊपर अच्छे तरीके से काम करता है और आपके स्किन को व्हाइटन करेगा। लेकिन लंबे समय के लिए ट्राई करना पड़ेगा। उबला दूध यहाँ पे नहीं लेना है आपको, कच्चा दूध लेना है और वो भी मदर डेयरी टाइप का कोई दूध नहीं लेना है, भैंस का गाय का दूध ही लेना है। तो दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी। अगर आप चाहते हैं स्किन को व्हाइटन करना, देन यू कैन गो फॉर द रेमेडी गाइस, दिस इज 100% नेचुरल वन। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यू कैन आस्क मी, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, बाय।